प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, मैं रजत, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। सेना की नई भर्ती स्कीम अग्निपथ योजना का विरोध आज भी देश भर में हो रहा है। देश के कई हिस्सों से विरोध की खबरें सामने आ रही हैं। बिहार में सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के भी कई शहरों में आज विरोध की खबरें सामने आई। उत्तर प्रदेश के बलिया में युवकों ने जमकर विरोध किया है। बलिया के रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ की गई है। वहीं युवकों ने बलिया के रेलवे स्टेशन की में खड़ी ट्रेन को भी आग के हवाले कर दिया है। बलिया की डीएम सौम्या अग्रवाल ने इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बलिया में कुछ असामाजिक तत्वों ने स्टेशन पर तोड़फोड़ की व अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे थे। हालांकि अभी स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से भी विरोध की खबरें सामने आई। वाराणसी में के कैंट रेलवे स्टेशन के सामने युवकों ने विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि वहां पे भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, स्थिति अभी नियंत्रण में है। वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा और अलीगढ़ से भी विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही है। वहीं फिरोजाबाद में युवकों ने बस में तोड़फोड़ की, ऐसी भी खबरें सामने आई है। हालांकि अभी पुलिस और प्रशासन इस पूरे विरोध प्रदर्शन पे पैनी निगाह रखा हुआ है और कोई भी बड़ा घटना ना घटित हो इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। अग्निपथ स्कीम को लेकर देश में विरोध काफी तेज हो गया है। इस आंदोलन की आग उत्तर प्रदेश के कई शहरों में फैलती जा रही है। यूपी के कई शहरों में शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन और आगजनी की खबरें सामने आईं। रेलवे स्टेशनों पर भी तोड़फोड़ की गई है। बलिया में अग्निपथ योजना के खिलाफ शुक्रवार सुबह से ही प्रदर्शन शुरू हो गया। उपद्रवियों ने अग्निपथ के विरोध में बलिया की एक खड़ी ट्रेन में आग लगा दी। ट्रेन की कई बोगियों को काटकर अलग करना पड़ा। इसके अलावा बलिया में स्टेशन पर तोड़फोड़ भी की गई। वाराणसी में भी अग्निपथ पर बवाल हुआ है। युवकों ने सवारी वाहनों के शीशे तोड़े, छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, रोडवेज के पास भी युवकों ने जमकर पत्थरबाजी की है। हालांकि वाराणसी में उन्हें काबू करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। जनपद बलिया में आज रेलवे स्टेशन और स्टेडियम पे कुछ छात्रों के इकट्ठा होने की सूचना पे तत्काल मौके पे सीनियर पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट के द्वारा संवाद स्थापित करके छात्रों से वार्ता की गई है और छात्रों को वहाँ से डिस्पर्स किया गया है। उसके उपरांत सूचना मिली है कि रेलवे स्टेशन से डिस्पर्स होते समय दूर वॉशिंग एरिया में आइसोलेटेड खड़ी खाली ट्रेन पे कुछ छात्रों के द्वारा उसके विंडो पेन को तोड़ने का प्रयास किया गया है और एक आइसोलेटेड खड़ी बोगी में आग लगाने का प्रयास किया गया है। तत्काल मौके पर पहुँच करके आग बुझाने का, जो बोगी में लगाने का प्रयास किया गया था, उसे बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और मौके से सभी को डिस्पर्स कर दिया है। इस समय विभिन्न क्षेत्रों में पेट्रोलिंग चल रही है और अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।